बच्चों, दिल्ली शिक्षा मंत्री ने अभी अभी बताया है कि 10वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी गई हैं। सरकार ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम्स 12वीं के लिए जो 4 मई से 14 जून तक होने वाले थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर डिसीजन लिया गया है। आगे पहली जून को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एग्जाम्स कब होने हैं। बच्चों को 15 दिन का नोटिस भी दिया जाएगा इन एग्जाम्स को फिर से करवाने के लिए। जहां तक 10वीं क्लास की बात है, जिनके एग्जाम्स 4 मई से 14 जून को होने थे उनके लिए एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं। ये सरकार का कहना है 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं अब उनको एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के तहत ग्रेड किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इस ग्रेडिंग से आश्वासित नहीं होंगे या खुश नहीं रहेंगे उनको पर्सन बेसिस पे बाद में रिव्यू किया जाएगा। तो फिलहाल बढ़ते कोविड केसेस के चलते सरकार का बड़ा निर्णय, 12वीं के एग्जाम्स पोस्टपोन किए गए हैं और 10वीं के फिलहाल कैंसिल कर दिए गए हैं। नवजोत, कितना ये ठीक था? मुझे खुशी है कि देश के लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स और बाकी टीचर्स और बाकी सब लोग भी इंतजार कर रहे थे। हमें खुशी है कि एग्ज़ाम 10वीं क्लास के कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रिशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रिशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फिलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में। नीड ऑफ द आवर थी, आपको लगता है? लाखों करोड़ों लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको उठा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएँ। आज उस बारे में फैसला लिया गया है। हमें खुशी है कि बच्चों के हित में फैसला लिया है। सर, जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने बोला है, उन्होंने कहा है कि जो भी प्रमोट होंगे इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से अगर उनको सर्टिफिकेट नहीं है तो दोबारा भी एक तरीके से वो परीक्षा। ये 10th के बारे में बोला है, 12th के बारे में भी ये निर्णय ले सकते थे। 12th के बच्चे भी उतनी ही एंग्जाइटी, उतनी अनसर्टेनिटी में हैं। अगर 12th के बारे में भी ये फैसला ले लेते तो और अच्छा होता। आप अपील करना चाहते हैं 12th के? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगा कि 12th के बच्चों की भी एंग्जाइटी खत्म कर दें और उनके भी असेसमेंट्स जो अभी तक इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं या प्री बोर्ड हुए हैं उन सब के बेस पर उनको भी प्रमोट किया जाए। पेरेंट्स को भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं वहीं से जो पेरेंट्स हैं? नहीं, पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूं कि और बच्चों को भी कि अब जबकि एग्ज़ाम 10वीं के कैंसिल हो गए हैं या 12वीं के एग्ज़ाम अब आगे बढ़ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि कोरोना कम हो गया है। बच्चे बाहर ना जाएं, बच्चे ऐसा नहीं है कि शॉपिंग करने या मार्केट में निकल जाएं या बच्चे घूमने निकल जाएं। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर पे रहें, सबके लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर पे रहें।